पूरी देखकर आ या कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी मूवी है, बेस्ट एक्टिंग था, वी जस्ट लव इट, जय जय हिंद बस। और बहुत या बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छी मूवी है बस, वेरी गुड, ईच एंड एवरी एक्टर वॉज सुपर, वेरी नाइस मूवी, एवरी वन शुड वॉच। ओके थैंक यू 515। इट वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग, और इतनी तगड़ी मूवी, मतलब कि जो रियल फैक्ट के ऊपर बनी थी वो बहुत सही था। इवन हर एक डायलॉग, उसके सॉन्ग्स, उसकी बीट, जब वो हेलीकॉप्टर लेके आते हैं अटैक समय पे, कीरत पता नहीं क्या नाम रहता है, दैट वॉज माइंड ब्लोइंग। आई विल से जस्ट कम एंड वॉच इट, थैंक यू। डायरेक्शन भी बहुत सही था, बहुत 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 ज़्यादा सही था। कुछ जगह पे लगा कि हाँ डायलॉग्स थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं, राइटिंग भी थोड़ा सा कह सकता हूँ, बाकी बहुत सही था। थैंक यू। 5 में से मैं 4.7, थैंक यू। ओके तो उरी देख के आ रहे हैं अभी, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? पहला पॉइंट, नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है, इस मूवी से 50 वोट्स डेफिनेटली मिलने वाले हैं, बहुत ही अच्छी मूवी है। विकास कौशल, विकी कौशल, यामी गौतम, परेश रावल, उन लोगों को जो अजीत डोवाल, इन सब ने जो काम किया है बहुत ही अच्छा काम किया है, एंड दिस मूवी वन बी रॉकिंग। पर ऐसी मूवी बहुत कम बनती है इस देश में, और बहुत अच्छा है कि ऐसी मूवीज और बननी चाहिए। 5/5। सर्जिकल स्ट्राइक की जो पूरी स्टोरी है वो कितने अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई है, हर एक बहुत अच्छा होमवर्क किया गया है, सब कुछ बहुत अच्छी चीज़ें की गई हैं, सिस्टमैटिक वे में कैरी आउट किया गया है, इट्स अ बहुत ही अच्छी मूवी है। मतलब 5/5 मूवी। Cheers to Indian Army. Superb, just superb. Okay, direction के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Very good direction. Surgical Strike की जो कहीं ना कहीं story है वो अच्छी है। It's a similar. Bit off, but it's a filmy, but it's a very good directed. Superbly. कितना star है? 4.5. Okay. Superb rating. Okay, तो पूरी देखकर आ रहे हैं, कैसी लगी? Picture बहुत अच्छी लगी। और पिक्चर का जो इंडियन का आर्मी के ऊपर बेस है वो बहुत अच्छे लगे। स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्टोरी तो रियल स्टोरी है, स्टोरी भी बहुत अच्छे लगे, और उसका जो एक्शन वो बहुत अच्छा लगे, इंडियन आर्मी का जो काम है बहुत अच्छा लगे। डायरेक्शन बहुत अच्छा है, 5/5 मैम। थैंक यू। पूरी देख के आएंगे तो नहीं, बहुत प्यारी पिक्चर, बहुत देखो अभी तक आंसू नहीं रुके। और डायरेक्शन कितनी अच्छी तरीके, ब्यूटीफुल मूवी, वेल मेड, आई विल गिव इट 7 स्टार। मतलब अगर कोई हिंदुस्तानी महसूस करता है तो यू शुड वॉच इट। ओके, और बाकी अगर बात करें हम एक्टर्स, नहीं नहीं नहीं, यू किस ऐसे किसी को नहीं देख सकते, एवरीबॉडी इज डन इज पार्ट वेल ऑलवेज, वो किसी की तो जाता ही नहीं, हु इज एक्टिंग गुड, पर मूवीज बेस्ट सुगर। और जो सर्जिकल स्ट्राइक की जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी तरीके से, अरे बहुत प्यारी, जैसे बॉर्डर हमने देखी थी वैसे आफ्टर दैट एक होता है इंडियन बेस्ट सुगर। ओके 5 में कितना? 7/7 से। ओके, फिल्म पूरी देखकर आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, कैसी लगी फिल्म? फिल्म बहुत अच्छी है, सब लोग ने देखनी चाहिए, फैमिली के साथ देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। म्यूजिक अच्छा है, विकी कौशल का एक्टिंग बहुत फैंटास्टिक है, सब लोग ने देखनी चाहिए। ओके, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के सब सब अच्छा है, कोई कमी नहीं है मूवी में, सब कुछ अच्छा है। सर्जिकल स्ट्राइक की स्टोरी कितनी टची थी और कितना पहुंच सकी है? 100% टचेबल थी, जो भी है एकदम रियल दिखाया हुआ है, जो भी हमारे आर्मी ने अटैक किया था, जो भी है बहुत अच्छा दिखाया हुआ है। 5 में से मैं 10 दूंगा। थैंक यू। ओके, उरी सर्जिकल स्ट्राइक देखकर आ रहे हैं, कैसी लगी फिल्म, क्या कहना चाहेंगे? बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है मूवी देख के, जो इंडियन आर्मी के लिए बहुत अच्छा मूवी है, प्लीज वॉच दिस मूवी। ओके, डायरेक्शन के बारे में अगर बात करें तो कैसी लगी डायरेक्शन? बहुत रियलिस्टिक डायरेक्शन है, रियलिस्टिक, कोई किसी का भी ओवर एक्टिंग है वगैरह कुछ नहीं है, बहुत ही रियलिस्टिक एक्टिंग है सबका। ओके, विक्की कौशल के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विक्की कौशल बहुत, मतलब जैसे कि लगता नहीं कि आम आदमी है, एज ए आर्मी ऑफिसर ने जबरदस्त एक्टिंग किया है, जबरदस्त एक्टिंग, माइंड ब्लोइंग एक्टिंग है। ओके, और बाकी फिल्म में गाने वगैरह के बारे में? गाना है, जब सब गाना डेडिकेटेड टू इंडियन आर्मी, तो गाना बहुत अच्छा है, जैसे कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं गाना सुन के, बहुत अच्छा गाना है। एंड मैं ये कहना चाहूँगा, दिस फिल्म इज डेडिकेटेड टू ऑल इंडियन आर्मी फैमिली,
प्लीज एवरी इंडियन शुड बी वॉच दिस मूवी प्लीज। आपको क्या लगता है टेक्स्ट भी करना चाहिए? नो नो, जैसे ये फिल्म को कोई पल्ली टैक्स भी सरकार को टैक्स भी टैक्स गवर्नमेंट का हक है, सो टैक्स से ही गवर्नमेंट चलता है, सो टैक्स भी ओके। 5 में से कितना सर? 5 out of 5। थैंक यू जी, देख कर आ रहे हैं। हाँ जी, कैसी लगी फिल्म, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? पूरी पिक्चर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी, पिक्चर बहुत ही अच्छी बनी है। पिक्चर में पिक्चर का जो उद्देश्य है कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान पर किया था, और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, लेकिन रियलिटी क्या होती है और उसके लिए सरकार को कितना प्रयत्न करना पड़ता है और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद ये पॉसिबल होता है। तो ये जो पॉसिबिलिटी बताई गई है, इसमें वर्तमान सरकार ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और इस मुकाम पर पहुँचे। ओके, डायरेक्शन के बारे में क्या कहते हैं? डायरेक्शन बहुत अच्छा है, डायरेक्शन में एडिटिंग में कोई भी जरा भी कहीं भूल नहीं है। मिलिट्री बेस कैंप बोलिए, मिजोरम बोलिए, दिल्ली का भी सीन बोलिए, कश्मीर का जो बताया गया, बहुत सब एकदम ओरिजिनल सीन है। और सबसे बड़ी बात ये ट्रूली बेस्ट है, इसमें कोई गलत तो कुछ है ही नहीं। परेश रावल मेन है, दिल्ली बैठा हुआ है और वो सब ऑर्गेनाइज करता है और उस हिसाब से ये सब बनता है और इसी से हम लोग सक्सेस होते हैं। बहुत ही अच्छी सर्जिकल स्ट्राइक व्हाट इज रियली होती है वो इसमें इतनी अच्छी तरह से चित्रण किया गया है, वो काबिले दाद है। ओके, 5 में से कितना स्टार है? इसमें स्टार का हिसाब आता है कि देशभक्ति में स्टार कम तो कोई दे ही नहीं सकता है, और डबल ट्रिपल जितना आप देना चाहे दे सकते हैं। उरी एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में मैं क्या बोलूँ, इसके बारे में बोलना भी अभी बहुत कम है, क्योंकि ये मूवी आप हमारे टूर इवेंट से सभी लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि उरी में जब हमारा आतंकवादी हमला जब हुआ था उसके बारे में। तो हमें लगता है कि ऐसी मूवी बननी भी चाहिए, और मूवी अच्छी है, टूर इवेंट्स है जो चीज़ों को है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मूवी बनाई गई है तो उसके कुछ पार्ट्स को अलग हटा दिया गया था, वो नहीं करना चाहिए था, वो जो है रियलिटी उस रियलिटी को क्यों नहीं रखा गया, वो मेरे लिए बस थोड़ा सा अखरता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। परफॉर्मेंस के बारे में तो मैं हमेशा यही कहूँगा, विक्की कौशल तो अपने आप में कुछ अलग ही एक्टर है, क्योंकि अभी तक जितने एक्टर्स आए हैं और न्यू कमर्स में अगर मैं कहना चाहूँगा तो विक्की कौशल जैसा अभी कोई नहीं है यंगर्स में अगर देखा जाए, क्योंकि वो अपने एक्टिंग स्टाइल को हमेशा निखारते रहता है, कुछ ना कुछ अलग नया करता है। हर मूवी की बात करूँगा, जैसे संजू में भी देख लो तो विक्की कौशल अपने एक्टिंग स्टाइल को कुछ अलग ही करता है, वो दूसरों की तरह नहीं, और आपको कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि मैं विक्की कौशल को देख रहा हूँ, उसे लगेगा कि हाँ वो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर करना चाह रहा है वो कैरेक्टर दिखता है उसमें। हाँ, कॉन्ट्रोवर्सी तो रखी गई है, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा है कि नहीं रखा गया, उतना ज़्यादा दिखाया नहीं गया है कि कॉन्ट्रोवर्सी है कुछ इसमें। कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में क्या बताऊँ, उरी जब रियल में जब होकर आई थी, तब उस टाइम मैं दिल्ली में था, क्योंकि उस टाइम मैं वहाँ पे थिएटर कर रहा था, और जब वहाँ पे पार्ट हुआ था तो वहाँ पे हमारे जो अलग अलग जो पार्टीज़ हैं, जो हमारे कांग्रेस हो गए या आप हो गए या नहीं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी, इन सब की बात करूँ, अगर कोई भी मंत्री या कोई भी चीज़ हो, कोई एक देश के लिए कुछ कर रहा है, तो हम दूसरे पार्टी जैसा क्यों करते हैं कि नहीं तुम हमारा प्रूफ दिखाओ। यार, प्रूफ दिखाने की क्या ज़रूरत है, देश के लिए हो गया तो बात खत्म वहीं पर ना, हुआ तो सही, और क्यों हम दिखाएं उसमें प्रूफ की क्या ज़रूरत है। ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूँ कि लोग देखें इस मूवी को, बहुत 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 अच्छी है मूवी, क्योंकि एक्टिंग वाइज भी अगर देखें तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, और साथ में क्योंकि मूवी को मैं देना चाहूँगा अपने तरफ से पूरे 5 स्टार। थैंक यू। पूरी देख कर आ रहे हैं, कैसी लगी फिल्म, क्या कहना? फिल्म बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही स्पीचलेस थी, एकदम कोई वर्ड्स नहीं थे, चाहे वो इंडियन आर्मी पे बेस्ड थी इसलिए बहुत स्पीचलेस थी, ऊपर से एक्टिंग विक्की कौशल की, परेश रावल जी की और मोहित राणा की, मैं मोहित राणा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, देवगुदे महादेव से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनके लिए ही स्पेशली आया था, तो स्टोरी बहुत अच्छी थी, कुछ हिडन किया है इन्होंने जो हमें भी पता है, पब्लिक को भी पता है, लेकिन मूवी के हिसाब से उन्होंने जो भी दिखाया बहुत अच्छा दिखा, कि सब कुछ दिखा नहीं सकते, इंडियन आर्मी कुछ चीज़ें हिडन ही रखनी चाहिए तो सबको पता लग जाएंगी वो चीज़ें। ओके, डायरेक्टर अपना सर्जिकल स्ट्राइक की स्टोरी कितनी अच्छी तरीके से दर्शा पाए? डायरेक्टर ने जो भी दिखाया बहुत अच्छे तरीके से दिखाया, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ 5 मिनट मुझे कन्फ्यूज था मैं कि ये 2015 दिखा रहे हैं, जून जुलाई दिखा रहे हैं कि वो स्टार्टिंग में जो उन्होंने मिशन दिखाया वो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या मिशन था, कहाँ का मिशन था, जिसमें मोहित राणा भी साथ था,
और बाद में मोहित राणा की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उनमें सब में जोश आया था करने के लिए, वो चीज़ चलो समझ आ गई। स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आया था मुझे, वो मैं थोड़ा कन्फ्यूजिंग था। ओके, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? परफॉर्मेंस तो सबकी बहुत ही अच्छी थी। विकी कौशल लग ही नहीं रहा था कि वो एक्टर है, वो लग ही रहा था कि सही में एक आर्मी वाला बंदा है, उसकी फैमिली से कोई गया है और देश के बारे में सही में वो बंदा कुछ करके आया है, ऐसा लग रहा था बिल्कुल। और सिर्फ विकी कौशल ही नहीं, जो बाकी के भी साथी थे, उनकी पूरी टीम मेंबर्स, वो सब एकदम आर्मी का कैरेक्टर, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्ले किया, चाहे वो कैमरा में दिखे हैं चाहे नहीं दिखे, चाहे डायलॉग से है नहीं कुछ भी थे, पर बहुत ही अच्छा उन्होंने प्ले किया सर। ओवरऑल मैं बिल्कुल 5 out of 5 देना चाहूँगा इस मूवी को। हाँ, मैं जस्ट उरी देख के आ रहा हूँ, बहुत अच्छी फिल्म है। मैं खुद सेकेंड टाइम अभी वापस ये मूवी देखना चाहना चाहूँगा। जो हिसाब से इंडियन आर्मी फोर्स को मतलब दिखाया गया है, वो जज्बा, वो जोश, टेररिस्ट को जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, वही ये फिल्म में है। डायरेक्शन बहुत बढ़िया है। हाँ, डायरेक्शन बहुत बढ़िया है। आदित्य धार ने बहुत बेहतरीन डायरेक्शन दिया हुआ है, प्रॉपर कहाँ पे कौन सा शॉट लेना है, कैसा एंगल है और वो सब। ओके, सर्जिकल स्ट्राइक की जो स्टोरी है वो कितने अच्छे तरीके से कर, बहुत ब्यूटीफुली उसको पोर्ट्रे किया है सर्जिकल स्ट्राइक की स्टोरी। सो मैं चाहूँगा कि ऑडियंस सब लोग जाके देखें, मैं खुद सेकेंड टाइम जाने वाला हूँ ये फिल्म देखने को। विकी कौशल इज टेरिफिक, आई एम स्पीचलेस। ओके, ओवरऑल क्या व्यू है, कितना स्टार्स देना चाहेंगे? हाउ इज द जोश, ये मैं जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, बट हाउ इज द जोश, 4 star। थैंक यू। सर, फिल्म पूरी देखकर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, कैसी लगी फिल्म? फिल्म जो है ललकार को देखा था, उसके बाद आज लगा कि कुछ खास बात हुई, मतलब ये कि एक रियल स्टोरी के ऊपर थी ये फिल्म, और जो डायरेक्टर था उसने इसको जो डायरेक्ट किया बहुत अच्छे ढंग से किया। एक रियल स्टोरी थी जो हम सुनते थे, जिसके क्रिटिसिज्म सुन रहे थे, आज ये पता चला कि नहीं, ये क्रिटिसिज्म नहीं था, एक्चुअली सही था, क्योंकि फिल्म में झूठ के ऊपर तो बन नहीं सकती। उसके अंदर ठीक है कि फिल्माने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं 2-4%, बट जो उसकी स्टोरी है जो सुनते थे बिल्कुल वही है। मेरे हिसाब से इसके अंदर डायरेक्शन नहीं थी, बिल्कुल रियल लग रहा था। डायरेक्शन तो कहें तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट ये डायरेक्शन बहुत ओवर थी, इसके अंदर बिल्कुल ऐसे लगा कि शायद ऐसा ही हो रहा होगा। दे आर गुड, इनके अलावा कोई और होना भी नहीं चाहिए था, यही इसके अंदर बेस्ट लग रहे थे। फिल्म का मैसेज एक्चुअली तो ऐसे मैसेजेस बाहर नहीं आने चाहिए, ये पॉलिटिकल स्टंट था जिसके अंदर जो बाकी जितनी भी और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इसको जो है कहीं फेक कहा था, इसलिए इसको बाहर लाया गया। बट मेरे हिसाब से जो है ना ऐसी जो पॉलिटिक्स है वो करनी नहीं चाहिए, और ऐसी फिल्में ठीक है आई है, अच्छी लगी, हमारे को अपने देश के जवानों के ऊपर बहुत गर्व हुआ कि आज हम रोजाना सुबह देखते हैं, बट ऐसी चीज़ों को जो है ना सीक्रेट रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और जितने भी बाकी पार्टीज हैं ऐसे मुद्दों पर सहम हो जानी चाहिए, इन ऐसे मुद्दों को जो है ना इस तरीके से बाहर शो नहीं करना चाहिए। कितना स्टार्स देना चाहेंगे? 5 में से 5 ही है, इसमें कोई कम देने का कोई बनता नहीं है। वंडरफुल, 5 out of 5। और डायरेक्शन के बारे में? डायरेक्शन इज ऑसम, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, स्टोरी, एक्टिंग ऑसम। ओके, अगर बात करें परफॉर्मेंस, विकी कौशल की परफॉर्मेंस अच्छी थी, यमी गौतम का एवरेज, और आपका जो परेश रावल जी ने जिसने किया, जो आपका विकी अजीत डोभाल का रोल किया, इट्स ऑसम। हाँ, इट्स बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया, एज पर स्क्रीन पे अगर वो मैंने स्क्रीन प्ले का फॉर्मेट तो स्टोरी में आ जाता है ना, बहुत सुंदर से उसने किया है इस चीज़ को अजीत धारी ने। ओवरऑल 5 out of 5।